अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए एक मुश्किल लम्हा है, क्योंकि जो शख्स होता है आपकी आंखों के सामने होता है, आपके साथ होता है, तो वो होता है। जब वो नहीं होता तो गो के फिर भी होता है, मगर नहीं होता। ये एक्सपीरियंस मैं अपने बच्चों के साथ कर चुकी हूँ, आप सबको पता है। तो बहुत खुशी है इस बात की कि एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए माशाल्लाह ये दोनों लाहौर में इस कदर बाइज्जत तरीके से जा रहे हैं, अपनी जॉब के ऊपर जा रहे हैं। ये बहुत खुशी का मकाम है हम सब के लिए, एजाज़ है हमारे लिए, कि जिस तरह आप पता है आपको कि हम लोगों के यहाँ एक ख़ास बात अमूमन कहते भी हैं, शायद होता भी है, कि शोरा जो हैं वो अपने निजी मामलात या अपने प्रोफेशंस या अपने ख़ानदान को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं समझे जाते। गो कि अब इसमें बहुत बेहतरी आई है, लेकिन उसके बावजूद, बट लेकिन माशाल्लाह मुमताज़ अब्बास मुमताज़ को लेकर मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि जब तक, जब भी मैंने उनको देखा, मैं बहुत छोटे भी थे, ये जब शुरू ही हुआ बिल्कुल, कराची यूनिवर्सिटी में अक्सर हम लोग तो बिल्कुल शुरू में बुलाए जाते थे, लेकिन जो दो चार चीज़ें चौंकाने वाली होती थी, तो शायद मेरा दिल ऐसा है कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहुँचा दूँ। तो मैं अक्सर अब्बास से कहती थी कि ये वाला शेर बहुत अच्छा था। तब से ये रफाकतें चल रही हैं। बहरहाल खुशी है, बहुत बहुत खुशी है कि अब्बास माशाल्लाह और आदिया बहुत अच्छे अपने जॉब के ऊपर जा रहे हैं, और अभी तो इनका ये सफ़र समझ लीजिए कि शुरू है। और हम सब इन दोनों की रिफाकत से भी बहुत खुश हैं, क्योंकि ये दोनों हम लोगों की रिफाकत से खुश हैं, ऐसा कम होता है ना। लेकिन ये दोनों, हालांकि वो शायर जब हमारी नशिस्तें होती हैं तो वो शेर नहीं पढ़ रही होती, लेकिन इस तरह अपने आप, अपनी मौजूदगी सबके साथ, इन्वॉल्वमेंट, पता नहीं है कुछ, मतलब ऐसा हमें एहसास दिलाती है कि वो भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हम यकीन है सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है कि जा रहे हैं। लेकिन अब्बास मुमताज़ और आदिया, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे। अलविदा चाहे थोड़ी देर के लिए भी कहा जाए तो दिल तो दुखता है, और यकीनन मैं उदास हूँ आज। बहुत शुक्रिया। और पल पल रंग बदलने वाली दुनिया में, पल पल रंग बदलने वाली दुनिया में एक ही चेहरा रखने का नुकसान भी है।